हेलो फ्रेंड, अंजना के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी के सब्जी। ये मैं कढ़ाई में पानी चढ़ाया और इसमें गोभी डाल करके एक उबाल आने तक इसे छोड़ दिए। एक उबाल आ गया और गैस बंद कर दे रहे हैं। और मैं मसाले में क्या क्या डाल रही हूँ, ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज, ये चार पांच उबला हुआ आलू और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। ये दो चम्मच हम तेल डालें और गोभी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिए। ये फ्राई करेंगे ढक करके, थोड़ा गोभी गल जाए इसीलिए हम ढक दिए हैं। और फिर ढक्कन हटा करके हम चलाएंगे, बीच बीच में चलाते रहें कि गोभी जल न जाए। अच्छे से फ्राई करना है गोभी को। ये मसाला सब मसाला को पेस्ट करके रख लिए हैं। गोभी फ्राई हो गया फ्रेंड, और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे और आलू को भी उसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया, अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, और दो चम्मच तेल डाल करके इसमें पचफोरन डालें और दो तेज पत्ता डालें, काटा हुआ प्याज डालेंगे, प्याज को हम पूरा ढक करके पकाएंगे। इसे हम चलाते रहें, नहीं तो प्याज मेरा जलने लगेगा। गैस का फ्लेम हम तेज करके रखेंगे और हम प्याज को भूनते रहें। ये प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन हो गया। और इसे हम चलाते रहें, ये प्याज पूरा गल गया। और इसमें हम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। ये सारा मसाला डाल करके फिर चलाएं। और थोड़ा सा पानी डाल करके फिर चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिए इसमें कि मसाला चिपके नहीं। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और फिर इस पिसा हुआ टमाटर, एक टमाटर हम ले लिए, उसे पीस लिए थे। और इसको ग्रेवी के लिए मसाले में हम डाल करके भुनेंगे। ये मसाला पूरी अच्छी तरह भुन गई है और इस
ये गरम मसाला डालें एक चम्मच, छोटी चम्मच से एक चम्मच गरम मसाला डालें। ये गोभी डाल करके हम फिर मसाला को मिक्स करेंगे। इसे चलाते रहें और ये फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे। इसे चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगता है। ये एक चम्मच नमक डालें और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए और इसे चलाते रहिए, नहीं तो कढ़ाई में चिपकने लगता है। इसे ढक दीजिए। ढक्कन फिर उठा करके हम इसे चलाएंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, आप जितना ग्रेवी बनाना चाहें आप डाल सकते हैं पानी। ये बन करके रेडी हो गया है और इसे गैस हम बंद कर देंगे। अब धनिया पत्ता इसमें डालेंगे गार्निश के लिए। ये हम रोटी या पराठा या आप चावल के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है फ्रेंड, आप एक बार घर में बना करके देखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।